नमस्कार, प्रभास्की की डिलीशियस रेसिपी में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे पुदीना और सूट का पाउडर, जो बहुत आसान तरीके से और घर में बनाया जा सकता है, जो बहुत टेस्टी और हेल्दी भी होता है। प्रभास्की की डिलीशियस रेसिपी को सब्सक्राइब करें और वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है अदरक। जितना अदरक का पाउडर बनाना है आपको, उस हिसाब से आप अदरक ले लीजिए। मैंने अदरक को अच्छी तरीके से छील लिया है और इसे धो करके सुखा लिया है। अब हमें इसे काट लेना है। तो इसे मैं पतले पतले लच्छे में काटना है, जिससे आसानी से सूख जाए। इसे इस तरीके से मोटे आकार में काट सकते हैं, या फिर इस तरीके से लच्छे में इसे काट सकते हैं। इसी तरीके से हमें अदरक को काट लेना है। मैंने सारे अदरक को काट लिए हैं और इस तरीके से इसे हमें अच्छे तरीके से प्लेट में फैला देना है। इसको हमें सूखने के लिए डालना है, और जो भी बिल्कुल ही कड़क सूख जाएगा, जिसे हमें धूप में रखना है सूखने के लिए। छाया में जल्दी से नहीं सूख पाएगा, और धूप में एक दिन में ही सूख जाएगा। इस समय धूप बहुत तेज है, तो एक दिन के अंदर ये सूख सकता है। अगर एक दिन में नहीं सूखता तो इसे हम दो दिन सुखा लेंगे, तो ये सूख जाएगा। फिर हम आपको इसका पाउडर बनाना बताएंगे। और आप देख सकते हैं, एक दिन की पूरी धूप में अदरक हमारी अच्छी तरीके से सूख चुकी है। इसे हम तोड़ करके देखेंगे और ये बहुत आसानी से टूट रही है। तो अगर एक दिन में नहीं सूख पाती अदरक आपकी, तो इसे दो दिन में सुखा लीजिए। इसको कड़क सूखना है, इसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो हम सोट का पाउडर बनाएंगे, अदरक का पाउडर बनाएंगे, वो खराब हो सकता है। तो इस तरीके से बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए। तो इसे हम पीस लेते हैं। अब इसे हम एक मिक्सर जार में डाल लेते हैं। ये सोट पाउडर जो हमारा बनकर तैयार होगा, बहुत ही टेस्टी और बहुत हेल्दी बनेगा, और बिल्कुल ही शुद्ध बनेगा, क्योंकि इसको मैंने अपने हाथों से बनाया है। तो आप इस तरीके से इसे खूब बारीक पीस लीजिए। तो ये हमारा सोट का पाउडर पीस कर तैयार हो गया है, और इसे देख सकते हैं आप कितना बारीक ये हमारा सोट का पाउडर पीस कर तैयार हुआ है। अब इसे एक छन्नी में हम डाल लेंगे और इसे छान लेंगे, और ये सोट पाउडर हमारा इतना टेस्टी बनेगा। आप इसे बनाकर देखिए। आप इसके सोट और गुड़ का लड्डू बना सकते हैं, चाय में डाल सकते हैं, या फिर जिस जगह आप अदरक का इस्तेमाल करते हैं उस जगह पे इसे डाल सकते हैं। तो आप इस तरीके से सोट का पाउडर बनाकर तैयार करिए। तो इस तरीके से मैंने सोट पाउडर को छान लिया है, और ये थोड़ा सा मोटा पार्ट बचा है, इसे हम चाय में डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत थोड़ा है, इसे दोबारा हम नहीं पीस सकते मिक्सी में, तो इसे हम रख लेंगे। तो इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो अब हम आपको पुदीना पाउडर बनाना बताएंगे। तो इसके लिए हमें पुदीना चाहिए, और इस तरीके की पत्ती हमें अलग अलग तोड़ करके रख लेना है, और इसे धो करके अच्छी तरीके से हमें सुखाना है। और हमें ये ध्यान रखना है कि पुदीने के पत्तों को हमें धूप में नहीं सुखाना है, क्योंकि हरा नहीं रहेगा। तो इस तरीके से प्लेट में फैला करके, और जितना आपको पाउडर बनाना हो उस हिसाब से आप पुदीने के पत्तों को सुखा लें। इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है, तो ये बहुत जल्दी सूख जाता है। पूरे दिन और रात भर आप इसे खुले में रख दीजिए, घर के अंदर ही रखिए, इसे धूप में न रखिए। इस समय गर्मी का मौसम है, तो ये बहुत जल्दी सूख जाता है। पूरे दिन इसे रख लीजिए, और आप इसे पूरी रात इस तरीके से खुला ही रहने दीजिए, और धूप में रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और बिल्कुल कड़क बिल्कुल टाइट सूख जाएगा। तो आप देख सकते हैं, मैंने इस तरीके से पुदीने के पत्ते सुखा करके रखे हैं, और ये बिल्कुल सूख गए हैं। मैंने इसे पूरे दिन खुले हवा में रख दिया था, और रात में इसे रख दिया था खुला, मैंने इसे धूप में नहीं रखा था, और ये अच्छी तरीके से सूख गया है। इस तरीके से हाथ से मसल करके देखेंगे तो इसका पाउडर बिल्कुल बन जाता है इस तरीके से। तो हमें इसको ऐसे ही सुखाना है, जिससे पाउडर हमारा बिल्कुल हरा बना रहे। तो इसे हम पीस लेते हैं। तो इसे अगर हम चाहें तो हाथ से भी मसल सकते हैं, लेकिन इसे मिक्सर जार में डालेंगे, इससे इसका अच्छा सा पाउडर बन जाए। पुदीने के पत्ते हमारे पीस चुके हैं, आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छा कलर आया है, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बिल्कुल ओरिजिनल घर का बना हुआ पाउडर है ये। इसे हम छान लेते हैं। इसे छान लेंगे। मैंने पुदीने को छान लिया है, और इसका डंठल हल्के से जो इसके पत्ते हैं, इसे हम अलग कर देंगे, और इसे बाउल में निकाल लेंगे। आप इस तरीके से पुदीने का पाउडर बनाकर देखिए, ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आप इसकी फ्राई आलू भी डाल सकते हैं, सब्जी में डाल सकते हैं, या फिर इसका शरबत बना सकते हैं। आप जैसे चाहें इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पुदीने का पाउडर बनाइए।
तो हमारा पुदीना का पाउडर और सोंट का पाउडर बनकर तैयार हो गया है। दोनों बहुत ही टेस्टी बना है, क्योंकि घर पे हमने इसे बनाया है। तो आप भी इसी तरीके से इस पाउडर को बनाइए और स्टोर करके आप 3 से 4 महीने तक इसे रखिए, खराब भी नहीं होता है। बस इसमें मॉइस्चर ना हो कहीं पर, ठंडी की जगह पर मत रखिए इसे, सूखी जगह पर रखिए और आराम से इसे यूज करिए। तो अगर आपको पुदीना और सोंट का पाउडर बनाने का तरीका पसंद आता है तो आप अपने कमेंट हमें जरूर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप अपने फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ इसे जरूर शेयर करिए। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।